गुड मॉर्निंग बच्चों, गिरधर दास मुंगड़ा बाल भारती स्कूल ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम फिफ्थ क्लास का अपना परिवेश पर्यावरण अध्ययन, इसका अध्ययन करेंगे। देखो बच्चों, पूरे देश में फैली कोरोना महामारी की दूसरी लहर अभी ख़त्म नहीं हुई है और तीसरी लहर की चर्चा शुरू हो चुकी है, लेकिन ये लहर कब आएगी इसका ठीक कोई अंदाज़ा हम लोग लगा नहीं सकते हैं। लेकिन डॉक्टरों और जो एक्सपर्ट्स का है उनका मानना है कि तीसरी जो लहर है वो बच्चों के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है। इसलिए आप लोगों को हम स्कूल नहीं बुला रहे हैं और सरकार के गाइडलाइन के अनुसार ही हम आप लोगों को स्कूल बुलाएंगे, इसलिए आपकी पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं हो। हम ऑनलाइन क्लास आप लोगों के लिए लगा रहे हैं और आप लोग ये जो हम कार्य देंगे वो अपनी कॉपी में उतारते रहिए, और अगर किसी चीज़ में डाउट हो तो आप उसको क्लियर कर लीजिए। तो हम लोग करेंगे कक्षा 5 की अपना परिवेश यानी पर्यावरण अध्ययन, इसका लेसन फर्स्ट लेसन। देखो बच्चों, फर्स्ट लेसन है पहला लेसन, पार्ट 1 रिश्तों की समझ। रिश्ते सब जानते हैं, रिश्ते क्या होते हैं? जो आपके घर में है, पापा से, मम्मी से, दादा से, दादी से, बहन से, भाई से, ये सारे क्या होते हैं? रिश्ते होते हैं। और इस रिश्तों को समझने के लिए हम इस लेसन का अध्ययन करेंगे। तो देखो बच्चों, संजना और सलमा स्कूल में साथ साथ पढ़ते हैं। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना, उसी हिसाब से एक संजना नाम की लड़की है और एक सलमा नाम की लड़की है, ये दोनों स्कूल में एक साथ पढ़ते हैं। संजना एक दिन बहुत उदास थी, यानी जो संजना थी वो एक दिन बहुत उदास थी और सलमा ने उससे पूछा, आज तुम इतनी उदास क्यों हो? तो संजना जब उदास थी तो सलमा कौन थी? उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। तो उसने पूछा कि तुम उदास क्यों हो? संजना ने कहा, मेरी माँ की तबीयत खराब है। सलमा बोली, चिंता मत करो संजना, मध्यांतर में हम साथ बैठकर विस्तार से बात करेंगे। यानी संजना क्या कहती है कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए मैं क्या हूँ? चिंताजनक हूँ, उदास हूँ। तो जो उसकी फ्रेंड है सलमा, वो क्या कहती है कि तुम चिंता मत करो, मध्यांतर क्या होता है? जो आपका इंटरवेल होता है ना, खाना खाने का जो लंच जो होता है उसको कहते हैं मध्यांतर। तो उस समय जब हम लंच करेंगे, हमारा लंच पीरियड होगा, तो उसमें हम साथ बैठकर विस्तार से बात करेंगे, आंटी जल्दी ठीक हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि दो सहेलियां थी और उन्होंने आपस में, वो साथ में स्कूल जा रही थी और उन्होंने आपस में बात कर रही थी कि एक सहेली उदास हो गई है, तो दूसरी पूछती है कि क्या हो गया, तो कहती है माँ की तबीयत खराब हो गई। और तब दूसरी फ्रेंड है जो सलमा है, वो कहती है कि मध्यांतर यानी जो हमारा इंटरवल होगा उस समय हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे और आंटी जल्दी ठीक हो जाएगी, तुम इस बात की चिंता मत करना। अब देखो, मध्यांतर, जब मध्यांतर होता है यानी हाफ डे, लंच टाइम जब होगा, तो देखो आगे इन दोनों की बातें सुनो आप लोग। सलमा क्या कहती है? हाँ संजना, बताओ माँ को क्या हुआ? संजना कहती है, माँ को कल से तेज़ बुखार आ रहा है। सलमा, डॉक्टर को दिखाया? संजना ने कहा, हाँ डॉक्टर ने दवाइयाँ दी है, दादी जी व ताई जी माँ की देखभाल कर रही है। ठीक है, ये क्या कहती है कि डॉक्टर ने तो दवाइयाँ दी है, लेकिन जो दादी जी हैं और जो ताई जी हैं वो माँ की क्या कर रही है? देखभाल कर रही है। फिर सलमा कहती है, फिर क्यों चिंता कर रही हो? तुम्हारे परिवार में तो सब लोग हैं। संजना, हाँ मेरा पूरा परिवार एक साथ रहता है, दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी व उनके बच्चे, हम सब साथ साथ रहते हैं। यानी इनकी जॉइंट फैमिली है, यानी संयुक्त परिवार है जो एक साथ रहता है,
वो परिवार है। और इनके परिवार में कौन कौन रहते हैं? दादाजी रहती हैं, ताई जी रहती हैं, दादी जी रहती हैं, ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी और उनके जो बच्चे हैं वो सब यहाँ पे एक साथ रहते हैं। सलमा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे घर में सब मिलकर माँ की अच्छी तरह देखभाल कर रहे हैं। देखना, वह 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। मेरे घर पर केवल मेरी माँ, पिताजी व मेरी छोटी बहन है। ये क्या कह रही है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी और देखना 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी और मेरे घर पर केवल मेरी माँ, पिताजी और छोटी बहन है। संजना का तो पूरा परिवार है, दादा, दादी, ताऊ, ताई, चाचा, चाची और उनके बच्चे सब रहते हैं। और जो सलमा है उनके परिवार में कौन रहते हैं? पिताजी, माताजी और एक छोटा भाई, मेरी छोटी उसकी बहन रहती है। ठीक है, देखो एक ये चित्र दिया हुआ है आपके बुक्स के अंदर, इसमें देखो है ना, एक तो है संयुक्त परिवार, ये जो है ये तो है संयुक्त परिवार और ये है एकल परिवार। तो संयुक्त परिवार में सब आ गए और एकल परिवार में सिर्फ माता पिता, भाई बहन हो गए। ठीक है बच्चों, ये आपके समझ में आ गया। अब देखो आगे, आपके एक सारणी दी हुई है, इसमें आपको कॉपी में बनाकर पूर्ण करना है। इसमें परिवार के सदस्य हैं दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, ताई जी, पिताजी, माताजी, चाचाजी और चाची जी। ये लोग दिए हुए हैं, ये आपके साथ रहते हैं या कहीं और स्थान का नाम लिखिए। आप लोग ये सारणी बनाओगे, इसमें देखो दादाजी आपके जो हैं वो कहाँ रहते हैं, आपके साथ रहते हैं तो इसमें भरोगे हमारे साथ रहते हैं। अगर कहीं दूसरी जगह रहते हैं तो उनका यहाँ पे क्या करोगे, स्थान का नाम लिखोगे। ठीक है, जैसे सरोदय बस्ती में आप रहते हो, मुक्ता प्रसाद में वो रहते हैं, इस हिसाब से आप लोगों करोगे। दादी जी, ताऊ जी, इन सब के आपको यहाँ लिखने, अगर आपके साथ रहते हो तो लिखोगे हमारे साथ रहते हैं और नहीं है तो वो दूसरे स्थान पर का नाम है वो लिखोगे। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, आपने पिछली कक्षा में एकल व संयुक्त परिवार के बारे में समझा। एकल परिवार में बच्चों के पालन पोषण के केवल माता पिता ही होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में सभी सहयोग करते हैं। ये एकल परिवार क्या हो गया, जिसमें माता पिता, भाई बहन रहते हैं। और संयुक्त परिवार कौन हो गया, जिसमें दादा, दादी जी, ताऊ, ताई जी, पिताजी, माताजी, चाचाजी, चाची जी और उनके सारे बच्चे यहाँ पे रहते हैं। अब आगे देखो बच्चों, पता कीजिए और लिखिए, ये छोड़ दीजिए आप लोग, इससे कोई वो नहीं है, ऐसे ये दिए हुए हैं क्वेश्चन। अब आगे देखो आप लोग, परिवार का वंश वृक्ष। वंश वृक्ष क्या होता है? वंश जो आगे से आगे जो चलता है वो होता है वंश वृक्ष। जैसे संजना ने अपने परिवार का वंश वृक्ष बताया, क्या बताया, वंश वृक्ष बताया। कैसे बताया? जैसे अन्नदाराम, अन्नदाराम कौन है, उसके परदादा जी है। और परदादा जी कौन होते हैं, आपके जो दादाजी हैं उनके जो पिताजी हैं वो होते हैं परदादा जी। ऐसे ही उसकी धापूबाई दाम है, वो कौन है, परदादी जी है, सॉरी परनानी जी है। अब देखो पहले इधर वाला देख लेते हैं, इसमें संजना अपने परिवार का वंश वृक्ष बनाया अन्नदाराम पड़े दादाजी, मोतीलाल ये दादाजी हैं, फिर जगदीश पिताजी है और संजना कौन है, संजना वो स्वयं है। ठीक है, समझ में आ गया, ये इसके दादाजी का परिवार हो गया। दापड़ दादाजी कौन हो गए, जो दादाजी के पिताजी है। अब आगे देखो, धापूबाई, धापूबाई कौन है, इसकी पड़नानी जी है, यानी नानी जी की माता जी है। फिर है कमला, इनकी नाना जी है। और रितु कौन है, माता जी है। और संजना कौन है, स्वयं जो लड़की है वो है। तो समझ में आ गया,
संजना की माताजी रितु और रितु की जो माताजी है कमला वो संजना की नाना जी नानी जी होगी और जो धापू बाई है वो उनकी नाना जी की मम्मी है वो क्या हो गई पड़ नानी जी हो गई। अब देखो आप लोग आगे जब आप भी अपने परिवार के पिता व माता दोनों ओर के सदस्यों की सहायता से वंश वृक्ष बनाइए ठीक है। सलमा घर आकर पिताजी से पूछती है कि हमारे दादा दादी चाचा चाची हमारे साथ क्यों नहीं रहते हैं, पिताजी अपना परिवार इतना दूर शहर में क्यों आ गया, क्या हम अपने गांव में रहकर साथ साथ कार्य नहीं कर सकते। जब सलमा ने देखा कि जो संजना है उसका एक फैमिली पूरा संयुक्त परिवार रहता है तो वो घर पे आई और अपने पिताजी से पूछा कि हमारे दादा दादी चाचा चाची जो हैं वो हमारे साथ क्यों नहीं रहते हैं और हमारे साथ कार्य क्यों नहीं करते हैं। तो देखो सलमा के पिताजी ने उसे क्या उत्तर दिया। आजकल व्यवसाय की तलाश या उच्च शिक्षा पाने के लिए परिवार शहरों की ओर पलायन करने लगे हैं, यानी आजकल क्या हो गया है व्यवसाय की तलाश में और उच्च शिक्षा पाने के लिए परिवार शहरों की ओर पलायन करने लगा है। शहरों की ओर पलायन मतलब शहरों में जाने लगा है। शहरों में अधिकतर छोटे छोटे मकान होते हैं जिसमें कम लोग रह सकते हैं ठीक है। शहरों में जो मकान होते हैं वो कैसे होते हैं छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जो उसमें होते हैं ना मकान गाँव में वो बड़े होते हैं जिसमें कम लोग रह सकते हैं, इसलिए संयुक्त परिवार बंटकर एकल परिवार बनने लगे हैं। संयुक्त परिवार बंटने के और भी कई कारण हैं जैसे परिवारों की सदस्य संख्या, आदतें, सदस्यों के व्यवहार, आर्थिक स्थिति, आय व्यय करने की क्षमता, त्यौहार मनाने के तरीके आदि में निरंतर बदलाव होता रहता है। यानी जो संयुक्त परिवार है वो बंट गए और इसी कारण से जो परिवार के सदस्यों की संख्या है उनकी जो आदतें हैं और उनके सदस्यों के व्यवहार आर्थिक स्थिति आय व्यय करने की जो क्षमता है वो त्यौहार मनाने के तरीके आदि में निरंतर क्या हो चुका है ठीक है बच्चों। अब आगे जो लेसन है वो हम आपको कल करवाएंगे और कल ही इसके साथ में क्वेश्चन आंसर करवाएंगे तो आपका जो ये चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। आपको ये साथ साथ में पढ़ना है और इसके आगे फिर क्वेश्चन आंसर करने हैं।